भारतीय एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड यानी एयरटेल, जिनका हेडक्वार्टर यहीं दिल्ली में ही है। क्या आपको पता है कि ये अफ्रीका और एशिया के 18 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। इनके 403 मिलियन से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं। अभी ये दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर हैं, इंडिया के वैसे थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर हैं। जब से मोटा भाई अंबानी ने अपना जियो लॉन्च किया है ना, मार्केट उन्होंने पूरी हिला दी है। और वैसे भी यार इंडिया में 3 ही मोबाइल ऑपरेटर हैं, तो उसमें वो थर्ड लार्जेस्ट ही हैं। पर इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार एयरटेल कैसे 24-25 साल में इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं पर ग्लोबली बनी। क्या उनका ये जो फेमस मिनट्स फैक्ट्री का बिजनेस मॉडल है वो क्यों इतना अनोखा है, क्या उसमें ऐसा अलग है, क्या उन्होंने बिजनेस स्ट्रेटजीज यूज़ किए, क्या उन्होंने हैक्स यूज़ किए जिसकी वजह से उन्होंने इतनी जल्दी से स्केल अप किया है, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि यार अभी उनके ये बिजनेस मॉडल में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए वो अपने बिजनेस मॉडल में क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, और एयरटेल के फ्यूचर प्लान्स क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। ये जो सारी चीज़ें आप सीखेंगे ये आप अपने स्टार्टअप अपने कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम ये वीडियो जल्द से शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एयरटेल की हिस्ट्री से। एयरटेल की शुरुआत 1995 में सुनील भारती मित्तल ने करी थी, जिनकी नेटवर्थ अभी करीब 8.5 बिलियन डॉलर्स है। तो सुनील भारती मित्तल इससे पहले कई सारे बिजनेसेस कर चुके थे। वो पहले पुश बटन फोन्स इंपोर्ट करवाते थे इंडिया को। उस टाइम पे बहुत भारी बहुत बड़े बड़े रोटरी फोन्स चलते थे, जिसमें आपको अगर नंबर डायल करना पड़ता था ऐसे घुमा घुमा के आप नंबर डायल करते थे। तो उन्होंने पुश बटन फोन्स इंपोर्ट करने से शुरू किया। फिर 1990s में वो ये पुश बटन फोन्स, फैक्स मशीन्स, कॉर्डलेस फोन्स ये सब मैन्युफैक्चर करने लग गए थे। पर उसके बाद उनको समझ आ गया कि यार मोबाइल बनाने वाले तो बहुत कंपनीज आ जाएंगे, मेन गेम मोबाइल नेटवर्क का होगा। तो जिसका मोबाइल नेटवर्क होगा उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार वो अपना मोबाइल नेटवर्क खोलेंगे। 1992 में उन्होंने मोबाइल नेटवर्क के लिए बिड किया, और उसके बाद जब उनका बिड एक्सेप्ट हुआ उसके बाद की स्टोरी तो आप सबको पता ही है कि यार वो कितनी तेज़ी से ग्रो किए। इंडिया में उन्होंने एक्सपैंड किया, फिर ग्लोबली एक्सपैंड करने लगे। जून 2010 को तो उन्होंने सबको चौंका दिया जब उन्होंने जैन ग्रुप के ऑपरेशंस, जो कि 15 अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऑपरेट करते थे, उसको उन्होंने 10.7 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 75,000 करोड़ रुपये में खरीद लिया। ये एक इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर का सबसे बड़ा एक्विजिशन था। उसके बाद उन्होंने अफ्रीका में भी एक्सपैंड किया, अफ्रीका में भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। अभी रिसेंटली उन्होंने इंडिया में भी कई एक्विजिशंस करी हैं, जैसे टेलीनॉर को खरीदा है, टाटा डोकोमो को खरीदा है। बेसिकली यार एयरटेल के चार मेन बिजनेस हैं। एक तो उनका मोबाइल सर्विसेज का बिजनेस है, दूसरा उनका होम सर्विसेज का बिजनेस है जिसमें वो फिक्स्ड लाइन टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तीसरा उनका एयरटेल बिजनेस है जिसमें वो अपनी सर्विसेज बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करते हैं, और चौथा उनका डिजिटल टीवी सर्विसेज है जिसमें उनका एयरटेल D2H, एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स ये सब आता है। तो अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि यार उनका जो ये मिनट्स फैक्ट्री मॉडल था ये क्या चीज़ थी, क्या इसमें अनोखा था, और कैसे उन्होंने इतनी जल्दी अपनी सर्विसेज ग्लोबली स्केल अप किया। तो ये जो मिनट्स फैक्ट्री मॉडल है, जिसको आउटसोर्सिंग मॉडल भी बोलते हैं, इसका बेसिक फंडा ये है कि यार आप सिर्फ कोर चीज़ें मैनेज करोगे, कोर चीज़ों में फोकस करोगे, और जो सारी नॉन कोर चीज़ें ना वो आप आउटसोर्स कर दोगे उन कंपनीज़ को जो उस फील्ड में ऑलरेडी मार्केट लीडर्स हैं। तो इसमें एयरटेल ने क्या किया, सिर्फ मार्केटिंग, सेल्स और फाइनेंस, ये तीन चीज़ें उन्होंने डिसाइड किया कि यार इन पे वो फोकस करेंगे और सारी चीज़ें वो आउटसोर्स कर देंगे दूसरी कंपनीज़ को। तो इसलिए आप देखेंगे कि यार जो इक्विपमेंट्स एयरटेल यूज़ करता है वो उनको एरिक्सन, हुआवे और नोकिया नेटवर्क्स प्रोवाइड करते हैं, जो IT सपोर्ट है वो उनको IBM देता है, और यहाँ तक कि जो ट्रांसमिशन टावर्स वो यूज़ करते हैं उसके लिए भी उन्होंने कई सारे जॉइंट वेंचर्स और सब्सिडरीज खोल रखे हैं, जैसे भारती इंफ्राटेल, इंडस्टार्स इत्यादि। तो आप बोलेंगे कि यार इस बिज़नेस मॉडल का फ़ायदा क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज ये है कि यार आप सिर्फ कोर चीज़ों पे फोकस कर रहे हो तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। आपने और सारी चीज़ें उस सेगमेंट के मार्केट लीडर्स को आउटसोर्स कर दिया है, तो वो उनका काम है कि यार वो सही से चलाएं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कोर चीज़ों में फोकस करना है, और जो नॉन कोर चीज़ें वो जिन कंपनीज़ को आपने आउटसोर्स किए हैं वो बहुत बढ़िया से करेंगे। आप उतने अच्छे से कर नहीं पाओगे, या उस लेवल तक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए कि यार ये जो डिफरेंट सेगमेंट्स जिसमें ऑलरेडी मार्केट लीडर्स है उस लेवल की सर्विस आप प्रोवाइड कर पाओ। तो
तो एक तो फ़ायदा ये हो गया कि यार आपका रिस्क बहुत कम हो गया और आप बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस भी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हो। दूसरा जो इस बिज़नेस मॉडल का फ़ायदा है वो ये है कि यार एयरटेल अपने जो पार्टनर्स को पर मिनट के हिसाब से पे करता था, मतलब जितने भी मिनट्स उन्होंने यूज़ किए सिर्फ उतने का ही पेमेंट करता था। ये नहीं कि पूरे इक्विपमेंट का पैसा दे दे या शुरुआत में ही सारा पैसा दे दे, उससे क्या होता है कैपेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अगर आपने इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया और फिर आपको उतने कस्टमर्स नहीं मिले या उतनी डिमांड नहीं रही आपकी सर्विसेज के लिए तो मेन कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता था। तो एयरटेल ने इसलिए बोला ना भाई ना, हम आपको जितना यूज़ करेंगे पर मिनट के हिसाब से देंगे। उससे फ़ायदा ये हुआ कि यार वो अपना कॉस्ट काफ़ी कम कर पाते थे और कस्टमर्स को भी काफ़ी कम प्राइस में अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते थे। उस टाइम में भी वो एक रुपये पर मिनट में अपनी सर्विसेज इसलिए प्रोवाइड कर पाते थे क्योंकि यार वो खुद पर मिनट ही पैसे देते थे। फिर जो तीसरा फ़ायदा था वो ये था कि यार ये जो ट्रांसमिशन टावर्स थे जो उन्होंने जॉइंट वेंचर्स और सब्सिडरीज के थ्रू बनाए थे उसमें भी यार जितना वो यूज़ करते थे उतना तो ठीक था, बाकी की जो कैपेसिटी बचती थी वो अपने कॉम्पिटिटर्स को दे देते थे। वो बोलते थे कि भाई तुम अपने खुद के टावर्स क्यों सेट करोगे, वैसे इतना पैसा लग जाएगा तो तुम हमारे ही टावर यूज़ कर लो और हमें जितना तुम यूज़ करोगे उसके हिसाब से पैसे दे दो। इससे क्या होता था कि यार उनके टावर्स फुली यूटिलाइज्ड होते थे, पूरा पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से उनको रिटर्न भी मिलता था। तो इससे ये होता था कि यार जो उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए ये सारा जो टावर का नेटवर्क सेटअप करने के लिए उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी मिल जाता था क्योंकि यार उसको फुली यूटिलाइज किया जाता था, वो फुल कैपेसिटी पे चलता था। तो ये थे तीन मेन फायदे उनका मिनट्स फैक्ट्री या आउटसोर्सिंग बिजनेस मॉडल के। इससे एक और इंटरेस्टिंग एडवांटेज ये था कि क्योंकि एयरटेल इतने कम चीज़ों में फोकस करता था उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था इनोवेशन करने के लिए, नई नई चीज़ें लाने के लिए। इसलिए आपको पता होगा कि यार एयरटेल ने कई डिफरेंट टाइप की इनोवेशन करी थी, जैसे हेलो ट्यून्स का जो कॉन्सेप्ट था वो एयरटेल ने बहुत पॉपुलर करवाया था। हेलो ट्यून्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था, गाना कोई और म्यूज़िक कंपनी का होगा, वो जो सर्विस हेलो ट्यून्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट ये है कि यार जब भी आपको कोई कॉल करेगा जो रिंगटोन है वो ये गाना होगा। तो जिन लोगों को जो गाना पसंद था वो उसके लिए हेलो ट्यून्स खरीदते थे, उससे वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए। फिर उन्होंने और भी कई सारे वैल्यू एडेड सर्विसेज शुरू किए। उसके बाद जो हाई पेइंग कस्टमर्स थे उनको बंडल्स के हिसाब से बेचने लगे कि यार अगर आप महीने का इतना पैसा खर्च करोगे तो आपको इतने रुपये का टॉक टाइम मिलेगा, इतने रुपये का डेटा मिलेगा। उसके बाद उन्होंने नई नई चीज़ें थे विंक म्यूज़िक भी बंडल करने लगे ये प्राइसिंग प्लान में। अब तो यार वो नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ये सारी चीज़ें भी अपने प्राइसिंग बंडल्स में प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या होता था कि यार वो बहुत टाइप के कस्टमर्स को अपने सर्विसेज बेच पाते हैं। सोचो यार किसी को अमेजॉन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, विंक म्यूज़िक सब कुछ चाहिए तो वो एयरटेल का महंगा वाला प्लान ले लेगा, उसमें उसको अनलिमिटेड डेटा भी मिल जाएगा, अनलिमिटेड कॉलिंग फैसिलिटी भी मिल जाएगी, प्लस नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, विंक म्यूज़िक ये सारी चीज़ें मिल गई। तो इससे जिनको विंक म्यूज़िक पसंद है या जिससे अमेजॉन प्राइम वीडियो पसंद है, जिसको नेटफ्लिक्स पसंद है, जो भी कोई भी चीज़ें पसंद है वो एयरटेल को ही सब्सक्राइब करेगा क्योंकि उसको एज अ एडेड बेनिफिट मिल रहा है। इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होता था और एयरटेल के लिए कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था। पर फिर आप पूछेंगे कि यार ये बिजनेस मॉडल तो इतना मस्त था, दूसरी कंपनीज कॉपी भी कर रहे थे, तो क्यों एयरटेल ने डिसाइड किया कि यार इस बिजनेस मॉडल में थोड़े बहुत चेंजेस लाने के लिए, क्या प्रॉब्लम्स आई इस बिजनेस मॉडल में जिसकी वजह से एयरटेल इस बिजनेस मॉडल में चेंजेस लेके आई। तो यार जब एयरटेल ने ये मिनट्स फैक्ट्री वाला मॉडल शुरू किया था तब ये बहुत रेवोल्यूशनरी था, तब एयरटेल काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था, स्केल करना बहुत ज़रूरी था। तो ये जो आउटसोर्सिंग वाला मॉडल था बहुत अच्छा चला, उन्होंने काफ़ी मार्केट कैप्चर किया, बहुत जल्दी से ग्लोबली एक्सपैंड किया। पर अब अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे जो नॉन कोर फंक्शन जो पहले एयरटेल आउटसोर्स कर देता था अब वो सारा काम एयरटेल खुद करने लग गई है। इसके क्या कारण है, इसके अगर मैं बताऊँ कई सारे कारण है। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो ये है कि यार अभी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इससे इफेक्ट ये पड़ा है कि यार प्रॉफिट्स और मार्जिन्स भी काफ़ी ज़्यादा घट गए हैं। तो इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, 2004 में एयरटेल ने IBM के साथ $750 मिलियन की डील करी थी, 2014 में ये डील साइज गिर के $500 मिलियन की हो गई है और अभी 2020 में अगर उन्होंने IBM के साथ डील करी तो बताया जा रहा है कि $200 से $250 मिलियन की डील होगी। तो ये जो सब नेटवर्क प्लानिंग है ये सारी चीज़ें वो इनहाउस लेके आ गए हैं। एक और जो एडवांटेज है कि यार ये सारी चीज़ें इनहाउस लाने का वो ये है कि यार अभी ना टैलेंट मिलना काफ़ी आसान है, आप अच्छा टैलेंट हायर कर सकते हो, अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हो। उस टाइम पे इतनी जल्दी अच्छा टैलेंट अवेलेबल नहीं होता था, तो अभी क्योंकि आप टैलेंट हायर कर सकते हो, आप खुद टीम बना के ये सारा काम काफ़ी सस्ते में भी कर सकते हो और ये सारे काम पे आपका ज़्यादा कंट्रोल भी रहेगा, तो दोनों तरफ से आपका फ़ायदा होने वाला है। प्लस अभी आप देखेंगे कि यार ये जो मोबाइल नेटवर्क कंपनीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, ये कई सारी चीज़ें उस मोबाइल नेटवर्क के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि यार ये सारी चीज़ें वो
खुद बनाएं ताकि ये एंड में जाके उनकी USP बन जाए। अगर वो सारी चीज़ें आउटसोर्स कर देंगे फिर तो यार कोई भी कंपनी जिसको सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस करनी आती होगी वो खुद का मोबाइल नेटवर्क बना देगी, तो आपका मोड कैसे बनेगा। तो ये जो सारी चीज़ें वो इनहाउस लेके आ रहे हैं और खुद की टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, खुद का इनोवेशन कर रहे हैं, इससे जब नई कंपनी आएगी ना उनको काफ़ी टाइम लगने वाला है एयरटेल जैसी कंपनी के साथ कम्पीट करने के लिए। फिर जो है उनका जो नेटवर्क प्लानिंग था वो उन्होंने पूरा आउटसोर्स किया हुआ था, तो जिनको उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ था उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि यार कहाँ कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, वो सारा थर्ड पार्टी कंपनीज देखती थी। और ये थर्ड पार्टी कंपनीज देखती थी कि यार कितना डेटा यूज़ हो रहा है, कितना वॉइस यूज़ हो रहा है, उसके हिसाब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते थे। पर ये जो वोडाफोन और आइडिया जो ये सारा काम खुद करते थे वो क्या करने लगे, वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस यूज़ करने लगे जिससे कि यार एफिशिएंसी बढ़ने लगी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उनको ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ करके एफिशिएंसी बढ़ाने लगे और इससे आइडिया वोडाफोन का मार्जिन बढ़ने लगा, एयरटेल का मार्जिन घटने लगा। तो एयरटेल को समझ आ गया भाई अब ये सारा काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, तो ये जो नॉन कोर वाली चीज़ें वो इनहाउस ला रहे हैं ये वो 2013 से लाना शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ तब क्लियर हुई जब उनका जो जॉइंट वेंचर था अल्केटेल ल्यूसेंट के साथ, जो इनका ऑप्टिक फाइबर वाला बिजनेस संभालते थे, वो बिजनेस उन्होंने पूरा बायआउट कर लिया करीब $500 मिलियन के डील में, पूरी कंपनी को खरीद के अपने अंडर एक सब्सिडियरी बना दी और उसके बाद वो धीरे धीरे एक एक नॉन कोर चीज़ों को अपने अंडर लाने लग गए और इससे उनके मार्जिन इंप्रूव भी हुए, प्रॉफिट्स बढ़े भी। पर उसके बाद मोटा भाई अंबानी ने जियो लॉन्च कर दिया और जियो के बाद तो यार अब क्या ही बोलें, एयरटेल और दूसरे फ़ोन कंपनीज कॉल रेट्स कम कर रहे थे, जियो ने बोला भाई हम कॉल रेट्स तो फ्री में दे देंगे, यार कितनी बातें करने, करो जितना बाबू सोना करना है, 4-4, 8-8, 12-12 घंटे करो, कोई टेंशन नहीं है, पैसा हमारे पास बहुत है और हम तो यार डेटा वाला गेम खेलेंगे, कॉल गेम में कम्पीट करने नहीं वाले। और उसके बाद आपको पता ही होगा कि यार कितने इंडिया की मोबाइल टेलीकॉम कंपनीज डूब गई, सबने अपना बिजनेस बंद करना शुरू कर दिया, बेचना चालू कर दिया, यहाँ तक कि यार मुकेश अंबानी के खुद के भाई अनिल अंबानी को भी यार बिजनेस बंद करना पड़ा। और सिर्फ यही नहीं, इस साल तो यार हर क्वार्टर में एयरटेल हज़ारों करोड़ों के लॉस में जा रहा है, तो इसके लिए वो कई नए नए चेंजेस लेके आ रहे हैं। उन्होंने बोला है कि यार वो अपने एंटरप्राइज कस्टमर्स पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, एंटरप्राइज कस्टमर्स में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे वो वॉइस ऑन डिमांड और बैंडविड्थ ऑन डिमांड अपने सारे ग्लोबल एंटरप्राइज कस्टमर्स को प्रोवाइड करना शुरू कर चुके हैं। उसके बाद अभी जो रीसेंट एक खबर आई है वो ये है कि यार डिश टीवी के D2H बिजनेस को एयरटेल खरीदने वाला है और एयरटेल डिजिटल टीवी में इंटीग्रेट कर देगा, और अगर ये डील सक्सेसफुल होती है तो एयरटेल डिजिटल टीवी दुनिया का सबसे बड़ा टीवी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन जाएगा, उनके 40 मिलियन DTH कस्टमर्स बन जाएंगे और इंडिया के DTH मार्केट में उनका करीब 62% शेयर हो जाएगा। पर अभी इस सेगमेंट में भी जियो ने जियो गीगा फाइबर के थ्रू एंट्री मार ली है और उसमें भी वो प्राइसिंग रेवोल्यूशन ला सकता है, तो उससे भी शायद एयरटेल को काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। देखना पड़ेगा कि यार एयरटेल और क्या क्या नए स्ट्रेटजीज लेके आती है, एयरटेल खुद से ही इतनी इनोवेटिव कंपनी है, इतने खुद इनोवेशन करती रहती है, तो ऑफकोर्स वो कुछ ना कुछ नया जरूर करेंगे, पर होपफुली यार एयरटेल नई चीजें करके और ग्रो करेगी और ग्लोबली एक्सपैंड करेगी और फिर से एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगी। आप में से कितने लोग एयरटेल यूज़ करते हैं और आपको एयरटेल की सर्विसेज पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये था एक डिटेल में केस स्टडी एयरटेल के बिजनेस मॉडल बिजनेस स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी और क्या आप चाहते हैं कि यार मैं फ्रेंचाइजी के ऊपर और वीडियोस बनाऊं। अभी मैंने रिसेंटली मैकडॉनल्ड का कैसे फ्रेंचाइजी खोलेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। क्या आप चाहते हैं कि यार सबवे का फ्रेंचाइजी जो कि काफ़ी सस्ता है मैकडॉनल्ड से, उसका फ्रेंचाइजी कैसे खोलना है उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊं, कमेंट्स में बता देना। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना, घंटे को भी दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी जल्दी आके फॉलो करो, वहाँ मैं अलग स्टार्टअप से रिलेटेड न्यूज़ वीडियोस आर्टिकल्स शेयर करता हूँ, प्लस वहाँ अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हो, एंगेजमेंट ज़्यादा होती है। आगे हम ऐसे ही बिजनेस मोटिवेशन एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप जितनी बातें करेंगे, तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।